हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पे आपको क्लचर की हेल्प से टू मैसी बन बनाना बताया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, यूनिक एंड न्यू बन हेयर स्टाइल है। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक पोनी बना ली है। अब पोनी के हेयर को सिंपली टू पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद देखिए, थोड़ा दूरी छोड़ते हुए मैंने एक रबर बैंड लगाया है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेना है। अब देखिए, इस तरह से बीच से पार्टीशन करेंगे और हेयर को अंदर से बाहर की साइड निकाल देंगे। तो सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी हेयर को कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आ गए हो फ्रेंड्स, तो फिर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन है। अब देखिए, रबर बैंड को पकड़ के दोनों साइड मैंने ऊपर कर लिया है और दोनों रबर बैंड को एक साथ करते मैंने क्लचर लगा दिया। अब दोनों हेयर को जो अलग अलग थे ना, मैंने अलग अलग कर लिया। अगेन दूरी छोड़ते हुए मैंने रबर बैंड लगाया है और मैंने दो दो रबर बैंड लगाया है हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। और अगेन मैंने हेयर के बीच से इस तरह से निकाल दिया है। तो दोनों साइड का निकाल लेंगे। सिंपली नीचे की साइड इस तरह से देखिए हेयर को रखते जाना है, मैनेज करते हुए रख लेंगे। और ऊपर के साइड जहाँ पे भी एंड आता है ना, तो उसको अंदर इंसर्ट कर देंगे और यूपिन की हेल्प से टाइट कर देंगे। सेम लास्ट वाले सेशन को भी कर लेना। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, इजी सा बन बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा डेकोरेट कर लोगे तो ये वेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो देखिए इस तरह से लग रहा है। सेकेंड बन के लिए देखिए, अगेन मैंने पोनी में टू पार्टीशन किए हैं और दोनों को मैंने ट्विस्ट करके एक साथ मैंने ट्विस्ट कर दिया है। एकदम लास्ट तक ट्विस्ट कर लिया है। और करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा हेयर हम बाहर की साइड पुल आउट कर लेंगे, जिससे कि हेयर में और अच्छा सा मैसी लुक क्रिएट होगा। आप देखिए, जो रबर बैंड लगा है एकदम उसके ठीक ऊपर मैंने लगा दिया है क्लचर, और सिंपली बन को मैंने राउंड लपेटा है। लास्ट वाले हेयर को अंदर करके मैंने पिन लगा दिया। तो बस हमारा मैसी बन बन के रेडी। आई होप कि पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।